गुड मॉर्निंग। आज की हमारी क्लास है बीएड सेकेंड ईयर के लिए और हमारा विषय है ज्ञान तथा पाठ्य ज्ञान। ज्ञान तथा पाठ्यक्रम के अंतर्गत हमने थर्ड यूनिट स्टार्ट कर ली थी और थर्ड यूनिट के अंतर्गत हमने बाल केंद्रित शिक्षा पढ़ ली थी। पहले मैं आपको थर्ड यूनिट का नाम बता दूं, शैक्षिक विचारक और बाल केंद्रित शिक्षा। शैक्षिक विचारक और बाल केंद्रित शिक्षा, इसके अंतर्गत हमने बाल केंद्रित शिक्षा, मैंने आपको बता दिया था कि बाल केंद्रित शिक्षा क्या होता है। बाल केंद्रित शिक्षा क्या होती है, इसके क्या बेसिक्स है वो मैंने आपको बता दिए थे। और बाल केंद्रित शिक्षा का जो महत्व हम जो पढ़ रहे थे उसमें से हमने बाल केंद्रित शिक्षा का महत्व पहला पॉइंट था वो हमने कर लिया था। और बाल बालकों की क्रियाशीलता को महत्व वो हमने देख लिया था, यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा में किन किन को महत्व दिया जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत बालकों से संबंधित या फिर यूं कहें कि इस पूरी शिक्षा से संबंधित कौन कौन से तथ्यों को पहले स्थान दिया जाता है या फिर कौन कौन से संदर्भ उसमें सम्मिलित किए गए हैं जो कि बाल केंद्रित शिक्षा को एक प्रभावी प्रक्रिया के अंतर्गत उसको और अधिक उभार सके या फिर बाल केंद्रित शिक्षा को प्रभावी रूप से बना सके, जिसमें पहला जो है वो हमारा यही था कि बाल केंद्रित शिक्षा का महत्व क्या महत्व होता है, इसके किस बेसिस पे इसको तैयार किया गया है, इसमें क्या क्या कौन सी खास बात है जो बालकों के लिए बहुत ही अधिक लाभदायक हो सकती है। यह हमारा पहला पॉइंट था, मैंने आपको बता दिया था। फिर था बालकों की क्रियाशीलता को महत्व कि बालक जो करता है उसको अधिक महत्व दिया गया है। बालक चीजें करकर ही सीखता है, बालक क्रियाशील है किस प्रकार से, उसकी पूरा सर्वांगीण विकास उसकी क्रियाशीलता पर ही बेस होता है। वो किस प्रकार से सोचता है, उसकी मानसिक स्थिति किस प्रकार से है, वो शारीरिक तौर पर कौन सी क्रियाएं करता है, कौन से खेल कूद में दिलचस्पी रखता है, साथ ही साथ में उसको अधिगम कराने के लिए कौन कौन से हम तर्क वितर्क प्रयोग में ले सकते हैं, वो उसकी क्रियाशीलता पर ही डिपेंड करता है। तो ये दोनों पॉइंट हमने पढ़ लिए थे। अब नेक्स्ट पॉइंट है रुचिपूर्ण शिक्षण अधिगम। रुचिपूर्ण शिक्षण अधिगम, जो भी सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है वो कैसी होनी चाहिए, वो रुचि शिक्षण या फिर रुचिकर होनी चाहिए। रुचिकर कैसे होगी, हम जो भी पाठ्यक्रम, क्योंकि हमारी शिक्षा कैसी है, बाल केंद्रित शिक्षा है, तो सीधी सी बात है जो पाठ्यक्रम है, जो भी हमारी पाठ्यक्रिया है, जो भी चीजें विषय वस्तु है, वो केवल केवल किसको ध्यान में रखकर निर्धारित करनी चाहिए, बालक को ध्यान में रखकर ही निर्धारित करनी चाहिए, क्योंकि वह विषय वस्तु बालक को ध्यान में रखकर निर्धारित की जाएगी, इसीलिए उसका रुचिपूर्ण होना तो बहुत ही ज्यादा अत्यंत आवश्यक हो जाता है। ऐसा हो जाता है, कैसा आवश्यक हो जाता है, उसका रुचिपूर्ण होना। अब रुचिपूर्ण शिक्षण होने के लिए हमें वह शिक्षण कैसा होना चाहिए, ना तो ज्यादा कठिन होना चाहिए। जो हमारी विषय वस्तु है वो ना तो इतनी सरल होनी चाहिए कि भाई बच्चे को तो पहले ही पता चल जाए कि हाँ मुझे तो पता है इसके अंदर क्या है, मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये मुझे पहले से ही आता है। तो ना तो इतना सरल होना चाहिए कि बच्चा का वो जो इंटरेस्ट है वो ही खत्म हो जाए, और ना ही वो इतना कठिन होना चाहिए कि बच्चा बोले कि ये तो मेरी समझ के बाहर है, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा,
ये मैं नहीं पढ़ सकता। तो ना इतना सरल और ना ही इतना कठिन बीच की रास्ता होना चाहिए कि बच्चा उसको समझ में भी नहीं आए, वो समझना भी चाहे, उसको चीजें पता भी हो लेकिन कहीं पर उसको थोड़ा सा कठिनाई भी महसूस हो। तो सारी की सारी चीजें बैलेंस होनी चाहिए जिससे कि बच्चे के अंदर इंटरेस्ट है, रुचि है, वो जागे। थोड़ा बहुत पूर्व ज्ञान पर आधारित होनी चाहिए चीजें और बहुत सारी चीजें होनी चाहिए उसके आने वाले ज्ञान पर। ऐसे में क्या होगा, बच्चा विषय वस्तु से थोड़ी बहुत जानकारी रखता है वो और अधिक जानकारी वो पाठ्यक्रम से और अपने शिक्षकों से प्राप्त करेगा और उससे संबंधित और कुछ वो नेट के माध्यम से, दूसरे पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, इधर उधर से पूछ कर भी इसके उसके लिए अपना इंटरेस्ट बढ़ाएगा। तो जो शिक्षण है वो रुचिकर होना चाहिए, बच्चे की मानसिक स्थिति को ध्यान में रखकर होना चाहिए, कक्षा कक्ष के अकॉर्डिंग होनी चाहिए और उसकी आयु के अकॉर्डिंग भी होनी चाहिए। इसलिए जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो रुचि शिक्षण अधिगम है, रुचिपूर्ण शिक्षण होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जैसे कि हमने अरुचि शिक्षण अधिगम जो देखा है उसी के जैसा ही है प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। जो शिक्षण अधिगम है वो प्रभावी रूप से होना चाहिए। अगर हमारा शिक्षण प्रभावी रूप से होगा तभी बच्चा पढ़ने में इंटरेस्ट ले सकेगा या फिर वह शिक्षण में अपना योगदान और अधिक दे पाएगा। यदि हमारा शिक्षण प्रभावी रूप से नहीं है तो बच्चे को चीजें समझ में नहीं आएगी। हम हमारा शिक्षण प्रभावी बनाने के लिए सीधी सी बातें हम मुख्यतः किसका सहारा लेते हैं, पुस्तकों का। लेकिन हम यहाँ पर विभिन्न विभिन्न शिक्षण अधिगम आज वर्तमान में मौजूद है उसमें हम कंप्यूटर का सहारा भी ले सकते हैं, हम इंटरनेट का सहारा भी ले सकते हैं, हम बच्चे को एजुकेशनल टूर में भी ले जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो अन्य सहायक सामग्रियां होती हैं हम उनका सहारा भी ले सकते हैं, जैसे कि उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, चार्ट आ गया, ठीक है, पत्र पत्रिकाएं, मैगजीन्स आ गई, ठीक है, साथ ही साथ में मॉडल आ गए, है ना। अगर कोई मैपिंग है तो मानचित्र वगैरह ये सारी चीजें आ गई, मैपिंग भी आ गई। तो ये सारी की सारी चीजें हमारे विषय वस्तु को जोड़ती है उसको और अधिक प्रभावी बनाने के लिए। एक तो बच्चे को हम बोलकर चीजें समझाते हैं, फिर वो ही समझाई हुई चीजों के माध्यम से हम उसको कुछ चीजें दिखाते हैं, कुछ प्रत्यक्ष रूप से, कुछ अप्रत्यक्ष रूप से, है ना। तो बच्चे को और अधिक चीजें समझ में आती है। ऐसी स्थिति में वो क्या करता है, चीजें दो प्रकार से हमको समझा सकते हैं। एक तो प्रैक्टिकल करके किसी खेल खेल के माध्यम से, जिससे कि उसका दो तरीके से विकास हो सकता है, पहला मानसिक और दूसरा है शारीरिक। चीजें उसको पजल्स, चुटकुले, कहानियों के तौर पर उसको चीजें बताएंगे, उसका मानसिक विकास होगा, साथ ही साथ में हम खेल कूद के माध्यम से बताएंगे उसका शारीरिक विकास होगा। तो इस प्रकार से जो बच्चा है उसका हम देख सकते हैं कि सर्वांगीण विकास हो सकता है। इन सब चीजें सहायक सामग्री या सहायक सामग्री को अगर हम शिक्षण अधिगम में यूज करेंगे तो शिक्षण क्या होगा, प्रभावी रूप से हो सकता है। नेक्स्ट है बालक का सर्वांगीण विकास।
शिक्षा हम जो देते हैं वो बालक को होशियार बनाने के लिए या फिर उसको कोई अच्छा सा रोजगार यूज हो जाए, वो सारी चीजें तो है, वो पैसा कमा सके, वो सारी चीजें हैं। लेकिन अगर उस शिक्षा से बालक का सर्वांगीण विकास नहीं हुआ तो वो शायद शिक्षा उसके किसी भी काम नहीं आएगी, एक बेहतरीन इंसान बनने के लायक तो बिल्कुल भी नहीं रहेगी वो शिक्षा। क्योंकि बाल केंद्र शिक्षा बालक पर निर्भर है और बालक का मतलब है कि अगर बालक का सर्वांगीण विकास नहीं हुआ तो उसने कुछ नहीं किया। सर्वांगीण विकास है बालक का चहुमुखी विकास करना, हर तरीके से, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, हर तरीके से बच्चे का विकास करना जरूरी हो जाता है बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत। बालक पैदा होता है, ठीक है, अपने परिवार में शिक्षा थोड़ी बहुत ग्रहण करता है, जो भी बोल चाल चीजें सीखता है करता है वो, उसके बाद में बच्चा आता है स्कूल के अंतर्गत, विद्यालय के अंतर्गत। विद्यालय में वह हर तरीके की शिक्षा प्राप्त करता है और परिवार से संबंधित कोई उसको चीजें सिखाई जाती है, सम्मान कैसे उठना बैठना है वो भी उसको चीजें सिखाई जाती है। कैसे सिखाई जाएगी, जब बच्चा पाठ्यक्रम अपना स्टार्ट करेगा उसको सामाजिक के अंतर्गत सारी चीजें आएगी, परिवार से भी संबंधित चीजें आएगी, समाज से भी संबंधित चीजें आएगी, तो बच्चा कहीं ना कहीं उन सारी शिक्षा से संबंधित एक शिक्षा ग्रहण करेगा। फिर बच्चा वो सारी की सारी शिक्षा जो ग्रहण करेगा वही उसका सर्वांगीण विकास है। जब बच्चा एक भावी नागरिक बनेगा, समाज में बैठेगा, समाज के अंतर्गत अपना योगदान देगा तो उसका सर्वांगीण विकास वहाँ पर काम आएगा। जब बच्चा उन सब में योगदान देने के लायक हो जाएगा और वह एक अच्छे से योगदान दे पाएगा तो हाँ हम कह सकते हैं उसका सर्वांगीण विकास सच में बहुत ही अधिक प्रभावशाली है और उसने अपने सर्वांगीण विकास का वहाँ पर प्रदर्शन किया है। इसलिए बालक का सर्वांगीण विकास बहुत ज़्यादा जरूरी है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, उसको आगे के जीवन के लिए तैयार करना, उसको अच्छा नागरिक बनाना, उसको पूरी की पूरी नैतिक शिक्षा प्रदान करना। नैतिक शिक्षा के अंतर्गत और सारी शिक्षा आ गई है, समाज से संबंधित देख सकते हैं, परिवार से संबंधित देख सकते हैं, एक भावी नागरिक से संबंधित देख सकते हैं, राष्ट्र के प्रति हमारे हमारे परिवार से संबंधित, क्षेत्र से संबंधित, विद्यालय से संबंधित सारी की सारी चीज़ें उसमें आ गई हैं। इसलिए बालक के सर्वांगीण विकास बाल के शिक्षा के अंतर्गत बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है कौशलात्मक विकास। बच्चे को बताना कि भाई कोई भाई बागवानी में अच्छा है, जिसको पेड़ लगाना, पौधे लगाना, ये सारी चीज़ें उसको सिखानी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कौशलात्मक विकास के अंतर्गत। जब बच्चा अपने कौशल को निखारेगा,
जो कि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत भी इसको माना गया है। नेक्स्ट है सामाजिक विकास। समाज क्या है, वह एक व्यक्ति के लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, वो परिवार से किस प्रकार से संबंध बनाए रखे जाते हैं, समाज से सारी सारी चीजें नैतिक शिक्षा के अंतर्गत आती है बकायदा। इसके साथ 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 में ही सामाजिक जो अध्ययन हम करेंगे उसके अंतर्गत भी समाज से पहलू, समाज से संबंधित सारे पहलुओं को दर्शाया जाता है। समाज में हमें किस प्रकार से मिलजुल कर रहना है, ठीक है, भाईचारे की भावना का विकास करना है, सद्भावना का विकास करना है, किस प्रकार से हमें लोगों की सहायता करनी चाहिए, चाहे दुख हो या सुख हो हमें सदैव लोगों की सहायता के लिए तत्पर रहना चाहिए, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। समाज होता ही इसलिए है कि मुसीबत आने पर सभी लोग एक हो जाए और उस मुसीबत का सामना करें। हमारे परिवार पे कोई मुसीबत आती है तो हम सब घर वाले एक हो जाते हैं, उसी प्रकार से समाज में कोई मुसीबत आए तो पूरा समाज एक हो जाता है। जब समाज अच्छा होगा तो समाज से राज्य अच्छा बनेगा, राज्य से हमारा राष्ट्र अच्छा बनेगा। जब हमारा राष्ट्र अच्छा होगा तब हम एक जो हमारी जो हमने पहल जो समाज के स्तर पर की थी भाईचारे की, है ना, सबका विकास हो, सबका सभ्यता में अच्छा हो, वो हम राष्ट्र लेवल पर चीज़ें चला सकते हैं। जब हम राष्ट्र लेवल पर उस कामयाबी को हासिल कर लेंगे तब हम वही जो भावना है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा सकते हैं और हमारे राष्ट्र का एक अलग ही लेवल दिखेगा कि भाई हमारे राष्ट्र की पॉलिसी यही है, हमारी नीति यही है कि हम सद्भावना के विचार को अपनाते हैं। तो इसलिए सामाजिक विकास के अंतर्गत बाल नीति शिक्षा को अपनाया गया है, समाज में विभिन्न तरह के रीति रिवाज परंपराओं को अपनाया गया है, क्योंकि हम समय समय पर बाल केंद्र शिक्षा के अंतर्गत हम विद्यालय में ऐसे कार्यक्रम रख सकते हैं जिसमें वो सभी हम अपने रीति रिवाज अपने संस्कृति से जुड़े रहें, ऐसे समय समय पर कार्यक्रम करना जिससे कि हम समाज के महत्व को समझें, समाज के क्रियाकलापों को समझें, उसकी परंपरा रीति रिवाज और संस्कृति जो कि हमारी पहचान है उसको हमेशा संजोए रखें बनाए। लास्ट पॉइंट है इसी में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, बच्चा जब छोटा होता है तब से उसके घर वाले उसको डराना स्टार्ट कर देते हैं, भाई अच्छा इसको तो इस वजह से हुआ है, भगवान आ रहा जब है, इसको तो भूत आ गया, ये आ गया, फलाना हो गया, ढिंगा हो गया, तो सारी की सारी चीज़ जो अंधविश्वास होता है वो परिवार बच्चे वो परिवार बालक के अंतर्गत बचपन से ही डालना स्टार्ट कर देता है। दिन रात होना या फिर सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण होना वो एक इन जो जो समाज के जो लोग होते हैं या फिर जो जो ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादातर जो पढ़े लिखे नहीं होते इतने या फिर जिनको इतनी खुद को इतनी समझ नहीं होती वो बच्चों में एज भी डालते हैं कि ये तो भगवान कर रहे हैं या ये कोई शैतान कर रहा है या फिर, है ना, तो ये सारी चीज़ें एक मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। इसका हम कैसे कर सकते हैं उल्लंघन, इसका उल्लंघन हम इस प्रकार से कर सकते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करके बच्चे को प्राथमिक स्तर पर से ही चीज़ें अगर विज्ञान के अंतर्गत हम चीज़ें पढ़ाई जाएंगी तो बच्चा समझेगा कि ये किसी की दैवीय शक्तियों से नहीं हो रहा, ये हमारा जो वायुमंडल के अंतर्गत जो भी हमारा जो सौर मंडल है, जो भी हमारी गैलेक्सी है उसके अंतर्गत ये चीज़ें होती है, ये एक खगोलीय शास्त्र के अंतर्गत चीज़ें आती हैं जो कि दिन रात होना वगैरह वगैरह सारी चीज़ें होती हैं, किस प्रकार से पृथ्वी अपना कार्य करती है, किस प्रकार से सूर्य अपना कार्य करता है, वो सारी की सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आएगी जब बच्चों को प्राथमिक स्तर पर ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास किया जाएगा। इसके लिए अलग से जो विषय होता है विज्ञान वो बच्चे को आगे पढ़ानी चीज़ें होंगी। तो सारी की सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का।
विकास करना जो कि बच्चे को प्राथमिक स्तर पर ही देने ही बहुत ज़्यादा अनिवार्य रूप से हो जाता है, हालांकि ये अनिवार्य है भी अलग से विषय के तौर पर विद्यमान है। तो बाल केंद्रित शिक्षा के अंदर जो भी हमने मुख्य मुख्य जो इसकी महत्वपूर्ण चीज़ें पढ़ी हैं जो कि इस शिक्षा को एक अलग ही लेवल पर ले जाती है, जिसमें दो पॉइंट हमने पूरे कर चुके थे जो कि अब है ऊंची शिक्षण अधिगम, प्रभावी शिक्षण अधिगम, बालक का सर्वांगीण विकास, कौशलात्मक विकास, सामाजिक विकास और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। इसी के अंतर्गत जो इसकी जो महत्वपूर्ण जो कारण है जो कि इसको अलग चीज़ें और बनाती है, वो पहला है बालक प्रधान शिक्षण, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा बालक प्रधान शिक्षण है इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा प्रभावी है। दूसरा है सरल और रुचिपूर्ण शिक्षण, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि ना तो जो शिक्षण है इतना सरल होना चाहिए कि बच्चा पहले से उग जाए, और ना ही इतना कठिन होना चाहिए कि उसका पूरा मन ही टूट जाए कि भाई मुझे आगे नहीं पढ़ना। इसलिए हमेशा सरल और शिक्षण रुचिपूर्ण शिक्षण बहुत ज़्यादा जरूरी है। आत्म अभिव्यक्ति के अवसर बच्चे को दिए जाते हैं, इसके अंतर्गत बच्चा खुद से चीज़ें कर सकता है, चीज़ें समझ में नहीं आने पर वो आपसे पूछ सकता है, शिक्षकों से पूछ सकता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, बाकी की हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।